पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान भड़की हिंसा का एक मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा है। दरअसल ऐसे में हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को पंचायत चुनाव के नामांकन में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ धांधली के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने उन शिकायतों के आधार पर सीबीआई को 7 जुलाई तक उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। माकपा की दो महिला उम्मीदवारों कश्मीरा बीबी और ओमजा बीबी ने एक सरकारी कर्मचारी हावड़ा के उलुवेरिया ब्लॉक नंबर 1 अनुमंडल अधिकारी के खिलाफ उनके नामांकन पत्र के साथ छेड़छाड़ और रद्द करने को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बता दें, वादिकारियों का आरोप है कि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के कारण उनके नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। दरअसल दावा किया गया है कि इसकी शिकायत अनुमंडल अधिकारी से करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद ही न्यायाधीश सिन्हा ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के एक वर्ग ने राज्य में आगामी पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ एक मामला दायर किया था। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि अगर अशांति, खून खराबा, जान हानि हो तो चुनाव रोक देना चाहिए। अगर कोई भी प्रत्याशी अशांति के कारण नामांकन नहीं जमा कर सकता तो आयोग को उसे भी अतिरिक्त समय देना चाहिए। बता दें कि विपक्षी दलों ने पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में हिंसा का आरोप लगाया। विपक्षी दलों का कहना है कि उनके प्रत्याशियों और समर्थकों को तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ डराया और धमकाया बल्कि उनके द्वारा की गई हिंसा के वो शिकार भी हुए हैं। तो वहीं तृणमूल ने नामांकन दाखिल करने और उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी दिन मंगलवार को राज्य में विभिन्न स्थानों पर हुई झड़पों के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है।